हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ, यानी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आ चुकी हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेकर, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से न्यू वैकेंसी 2024 की रिगार्डिंग। इसमें फ्रेंड्स आपको ग्रुप बी एंड ग्रुप सी दोनों ही तरह के पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड स्टेनोग्राफर, तीन तरह के पोस्ट के बारे में डिटेल बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो डिटेल्स जानने के लिए तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। और अगर इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैंने अपलोड कर दिया है। और मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहां पर भी चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि बिहार में विधान परिषद सचिवालय में नई वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी आई है तो कब से कब तक अप्लाई होगा, आइए बता दूं। देखिए, 12th ऑफ मार्च यानी कि आज से ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 2nd अप्रैल होने वाला है। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर 2nd अप्रैल, जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन हो अप्लाई कर देना, अदरवाइज बाद में ना सर्वर इशू फेस करना पड़ सकता है। पहले बता दिया है आपको कि तीन तरह की पोस्ट है, चलिए देख लेते हैं। असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड स्टेनोग्राफर। अब इन तीनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो फी क्या लिया जाएगा। जनरल कैंडिडेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 600 यानी 600 रुपया लिया जाएगा। एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांगजन, और जो फीमेल्स होंगी बिहार की जो डोमिसाइल फीमेल्स होंगी, उनसे 150 रुपीज लिया जाएगा। तो ये तो आपका फॉर्म का फी हो गया। अब चर्चा कर लेते हैं कि एज की लिमिट क्या रहेगी, तीनों ही पोस्ट के लिए बताऊंगी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि किस तिथि के अनुसार एज की गणना की जाएगी। 1st of January 2024 मतलब 1 जनवरी 2024 के अनुसार एज जो आपका असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर है उसके लिए 21 to 37 मतलब 21 वर्ष से 37 वर्ष आपका रहेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 से 37 वर्ष, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 21 वर्ष से 37 वर्ष के सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसमें आपको बता दूं कि जो अपर लिमिट होती है एज की, उसमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है ओबीसी को 3 इयर्स का और एससी एसटी को 5 इयर्स का। तो जो असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर है उसके लिए ओबीसी का आपका क्या हो जाएगा 40 इयर्स एंड एससी एसटी का क्या हो जाएगा 42 इयर्स। आई होप आप ये चीज क्लियरली समझ गए होंगे। चलिए आगे बता देती हूँ क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। देखिए, तीन तरह के पोस्ट है तो आपका 12th एंड ग्रेजुएशन, साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों जो आपका पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर, उसके लिए 12th पास आउट कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, और जो आपका असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर है उसके लिए आपका ग्रेजुएशन का रिक्वायरमेंट है। आई होप क्वालिफिकेशन आप समझ गए होंगे। आगे अगर हम लोग चर्चा करें कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आपका चयन होगा। फ्रेंड्स, आपका तीन स्टेज के बाद सिलेक्शन होता है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर रिटन एग्जामिनेशन, ऑफलाइन पेपर होता है ओएमआर सीट पे, पेन एंड पेपर मोड में। तो ये एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आपका स्किल टेस्ट होगा, जैसा पहले ही बता दिया था कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए तो टाइपिंग की टेस्ट होती है। फिर आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ऑफलाइन पेपर है, ओएमआर सीट पे बनाना होगा, और ऑल इंडिया के जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे सभी को बिहार के जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जाम सेंटर होगा वहां पे आके एग्जाम देना होगा। अब समझ लेते हैं कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए है। देखिए, 100 क्वेश्चन होंगे 400 मार्क्स के लिए। टाइम आपका 2 आवर्स का है, मतलब कि 2 घंटे का पेपर है, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलता है। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/4 का। अब अगर विषय वाइज बात करें कि किस किस सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन रहेगा, जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन से आपके 40 प्रश्न रहेंगे,
साइंस प्लस मैथ यानी विज्ञान और गणित को कंबाइन करें तो 30 प्रश्न होंगे, मतलब 30 प्रश्न में से 15 आपका साइंस का और 15 मैथ्स का रहेगा। देन क्या है, रीजनिंग से रहेगा 30 क्वेश्चंस। तो दिस इज योर ओवरऑल एग्जाम पैटर्न। जब आप एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे तो पहले ही बताया कि स्किल टेस्ट होगा। चलिए स्किल टेस्ट का पैटर्न हम लोग ओवरऑल समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका पहले तो 50 मार्क्स का टाइपिंग टेस्ट होगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक, और स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एमएस ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग का टेस्ट होता है 1 आवर के लिए, हिंदी का 50 मार्क्स का और इंग्लिश का 50 मार्क्स का। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। स्किल टेस्ट के बाद सिंपली डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। देन आपको बिहार विधान परिषद सचिवालय में काम करने का मौका मिलेगा। तो जब काम करेंगे तो तीनों पोस्ट की क्या सैलरी है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की जो सैलरी होती है ना 44,900, 45,000 से स्टार्ट होती है। आफ्टर पर्स अलाउंस जब आप जैसे जैसे वर्क करते हो बाद में आपकी सैलरी 1,42,400 मतलब 1.5 लाख के करीब सैलरी हो जाती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो शुरुआत होती है 25,500 से होती है, आफ्टर पर्स अलाउंसेस 81,100। सेम टू सेम स्टेनोग्राफर का भी है 25,500 to 81,100। सो ये तो आपका ओवरऑल सारा डिटेल मैंने बताया। अब आप सोच रहे होंगे कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, तो चलिए मैं बता देती हूँ। टोटल मिला के आपका 26 पोस्ट के लिए यहाँ पर 26 सीट के लिए वैकेंसी आई है। और अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा डिटेल में आप खुद समझना चाहते हो तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करके थोड़ो आउट रीड कर लेना। एंड आई होप फिलहाल जो कुछ भी डिटेल बताया है सारा डाउट तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। अब भी मन में कोई क्वेरी है तो कमेंट करिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइएगा ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलोंगे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।